मंडेला इफेक्ट। ये दुनिया की एक ऐसी अजीब सी चीज़ है जिसे पूरी दुनिया चौंक चुकी है और आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हो उस पर शायद ही आप यकीन कर पाओगे और इस पर यकीन करने से भी डर लगेगा। तो बात यह है कि आखिर मंडेला इफेक्ट क्या है। ऐसी कोई घटना जो आपको याद है और आप पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ ये हुआ था, पर जब आप उस घटना के बारे में किसी से कहते हो तो सारे लोग आपसे ये कहते हैं कि ये क्या है, ये तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसी भी कोई चीज़ हुई थी या ये घटना कभी घटी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सोचो और समझो, अगर ये आपके साथ हुआ तो कैसा लगेगा, और आपने इस बात पर गौर किया है या फिर सोचा है कि क्यों इसे मंडेला इफेक्ट कहा जाता है। इसे और कुछ भी कहा जा सकता था, तो फिर यही नाम क्यों? इसके पीछे का कारण हम आगे जानने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको मंडेला इफेक्ट एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ अपलोड होते ही पता चले। दोस्तों, आप गूगल में रोज़ कुछ ना कुछ तो सर्च करते ही हो, पर ज़रा सोच के देखो, एक दिन क्या हो कि आप मॉर्निंग में सोकर उठो और आपने अपना फ़ोन या लैपटॉप ओपन किया कुछ सर्च करने के लिए, लेकिन आपने देखा कि गूगल है ही नहीं, गूगल गायब हो गया है, और आप इस घटना को अपने आसपास के लोगों से पूछते हो तो वो लोग कह रहे हैं कि गूगल क्या है, पहले तो कभी नहीं सुना कि गूगल भी कोई चीज़ है और मैंने इसके बारे में कभी किसी से सुना ही नहीं है। तब आपकी हालत कैसी होगी? तब आपको लगेगा कि ये क्या हुआ। इस चीज़ को ही मंडेला इफेक्ट कहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं कि जिसे करोड़ों लोग दावा करते हैं कि ये हुआ था, पर अभी देखते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है, या किसी किसी केस में वो चीज़ किसी दूसरे तरीके से हुई थी। सबसे पहली घटना है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप अभी गूगल में सर्च करोगे कि वेन नेल्सन मंडेला डाई, तो जो डेट आपको दिखेगी उस पर शायद ही आपको विश्वास हो। अगर मेरी बात पर आपको ज़रा भी भरोसा नहीं है तो आप खुद ही सर्च करके देख लो, आपको 5 दिसंबर 2013 की डेट देखने को मिलेगी। अजीब बात यह है कि दुनिया में लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोगों का ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में हुई थी, जब वो क्रांतिकारी वजहों से जेल में थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो टीवी पर लाइव नेल्सन मंडेला की अंतिम संस्कार को देख रहे थे। पर ज़रा सोचो कि इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं, और ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी घटना जो लोगों को इतनी अच्छे से याद है वो कभी घटी ही नहीं। 1991 में एक किताब भी पब्लिश हुई थी जिसमें ये लाइन लिखी हुई थी, द चाउस दैट ट्रस्टेड इन द रैंक ऑफ द ANC व्हेन नेल्सन मंडेला डाई ऑन द July 23, 1991, जो ये साबित करती है कि 1991 में इनकी मौत हो गई थी। तो ज़रा सोचो, कोई एक इंसान दो बार कैसे मर सकता है, और इन्हीं के नाम पर द नेल्सन मंडेला इफेक्ट नाम रखा गया। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इसे मंडेला इफेक्ट कहा जाता है। अब मैं आपको दूसरी मंडेला इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बचपन में आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगती थी, या इसके बारे में ज़रूर से सुना ही होगा, पोकेमॉन एनिमेटेड शो तो देखा ही होगा या इसके बारे में सुना ही होगा, और पिकाचू को तो आप जानते ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप बताओ, स्क्रीन पर दिखाई गई फ़ोटो में कौन सा वाला सही है? तो आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि पहली वाली सही है और दूसरी वाली गलत है, जिसके पूंछ पर ब्लैक मार्क है वही शायद सही है। पर अजीब बात यह है कि जब से पोकेमॉन शुरू हुआ है उसके पहले एपिसोड से लेकर आज तक उसके पूंछ पर ब्लैक मार्क था ही नहीं, बड़ी ही अजीब सी बात है। अब ये क्या दो लोग बोलते कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, तब भी हम ये मान लेते हैं कि उनकी मेमोरी वीक है, पर पूरी दुनिया में लाखों लोगों का ये मानना है कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, पर हम दुनिया के उन लोगों को पागल नहीं कह सकते। सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी जो इमेज थी उसमें तो मुझे यही याद है कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, पर अभी आप गूगल में सर्च करोगे तो देखोगे कि उन सभी इमेज में उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क नहीं है। मंडेला इफेक्ट की और एक घटना अमेरिकन एनिमेटेड टीवी शो फ्यूरियस जार्ज के बारे में है। जैसे छोटे बच्चे डोरेमोन देखते हैं, वैसे ही अमेरिका के बच्चों का सबसे पसंदीदा शो है। वहाँ के सभी लोगों का कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है फ्यूरियस जार्ज की एक पूंछ भी थी, पर अजीब बात यह है कि अभी आप उसे टीवी पर देखोगे तो उसकी पूंछ है ही नहीं। अब आपको लगेगा कि उन टीवी शो वालों ने इसे चेंज कर दिया होगा, पर उसे बनाने वाले आर्टिस्ट का भी कहना है कि उसने कभी भी उसकी पूंछ बनाई नहीं थी। जब 2006 में इसका पहला एपिसोड देखा गया तब ये देखा गया कि उसकी पूंछ है ही नहीं, पर इतने सारे लोगों का ये कहना है कि वो अपनी पूंछ के साथ खेला करता था। क्या इतने सारे लोग गलत हैं?
दोस्तों, ये थे कुछ मंडेला इफेक्ट की घटनाएं। दुनिया में और भी ऐसी घटनाएं हुई है जिसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।